एक बार इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां लोग जश्न मना रहे हैं। लोग पुलिस को फूल माला पहना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आखिर कहानी खत्म हो गई, वो कहानी जो आज से ठीक एक सप्ताह पहले 8 पुलिस कर्मियों की मौत से शुरू हुई थी। नाटकीय तरीके से पूरा मामला एक सप्ताह तक चला। फिर विकास दुबे को उज्जैन में आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर हो गया। कानून और सरकार सब पवेलियन में रह गए और मैदान में बस दो लोग रह गए, गैंगस्टर विकास और पुलिस। और फिर खेल खत्म। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो विकास की मौत से काफी खुश है। दरअसल कानपुर के सिवली गांव के लोगों ने विकास की मौत पर खुलकर जश्न मनाया है। उनका कहना है कि पूरे इलाके में विकास का ऐसा खौफ था कि बयां नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मौत से हम काफी खुश हैं। आज कितनी खुशी है? आज हम लोगों को अपार खुशी है। खुशी का कारण क्या है? आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया, इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। कितना मतलब डर था जब वो अपराधी कानपुर देहात में था, और क्या दहशत थी? तब हम लोग बहुत दहशत में रहते थे कि किसी समय कोई भी घटना का अंजाम ये दे सकता है, और सशंकित रहते थे हम लोग। अब SDF ने उसे आज सुबह जो सूचना आई है कि उसे इनकाउंटर में मार दिया गया है, कितना खुश हैं आप लोग और किसको धन्यवाद देना चाहेंगे उससे? उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की SDF जवानों को बहुत बधाई देना चाहते हैं और बहुत हम लोग आज खुश हैं। ऐसा नहीं है कि विकास की मौत के बाद बस एक तबका ही खुश है। कानपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी विकास दुबे की मौत पर लोग जश्न मना रहे हैं, और वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर फूलों की बारिश की, माला पहनाया और धन्यवाद कहा। कानपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ रंजय सिंह, UP तक।